हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी कि ए अगर अल्फा से बीटा तक है तो ए प्लस के कहां से कहां तक होगा, इन दोनों में हम लोग के ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस के से बीटा प्लस के तक। और दूसरा पढ़ा था कि ए अगर अल्फा से बीटा तक है तो के इंटू ए जो है वो के अल्फा से के बीटा होगा, कब, जब के पॉजिटिव हो। और इसका रिवर्स, के बीटा से के अल्फा होगा जब के नेगेटिव हो, ठीक है। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ए स्क्वायर टाइप का रेंज। ठीक है, ए स्क्वायर टाइप का रेंज। तो देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर टाइप के रेंज में जैसे मान लो अगर तुमको बोला जाए कि ए टू से फाइव के बीच में है, तो बताओ ए स्क्वायर कहां से कहां तक होता, बोलो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर कहां से कहां तक होता। अगर ए अगर 4 से 25, तो यहां पे क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका जो आंसर आया वो कैसा है, इन दोनों का होल स्क्वायर करने पे आया। अच्छा दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल जैसे कि ए जो है वो -4 से -2 के बीच में है, तो बताओ ए स्क्वायर कहाँ होगा। इफ ए इज फ्रॉम, इसका होल स्क्वायर क्या होता वैसे तो 16 होता, और इसका होल स्क्वायर क्या होता 4 होता। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 लिखते हैं फिर बाद में 16 लिखते हैं। इसका मतलब जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो क्या किया जाता है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया जाता है और उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में अगर जैसे मान लो ए जो है -2 से 3 के बीच में है, तो ए स्क्वायर कहां से कहां तक होता, 4 to 9। फोर टू नाइन, नहीं एनी अदर आंसर, देखो तुम ऐसे सोचो ए जो है वो -2 से 3 है, ये -2 है ये 3 है, ये जैसे मान लो ए वाली लाइन है और ये से 0 है, और मैंने होल स्क्वायर किया तो -2 का होल स्क्वायर क्या होता 4, 0 का होल स्क्वायर 0, फिर 3 का होल स्क्वायर क्या होता 9। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू पहले 4 थी, 4 से कम होके 0 पे गई और फिर 0 से बढ़ के 9 पे गई। तो तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर मैं ऐसे बताऊं तो तुमसे जैसे मान लो तुम पहले 4th फ्लोर पे थे, 4th फ्लोर से होके ग्राउंड फ्लोर पे आ गए और फिर ग्राउंड फ्लोर से बढ़ के फिर 9th फ्लोर पे चले गए। तुमसे पूछा जाए कि कौन कौन से फ्लोर्स तुमने कवर किए, तो बताओ कौन कौन से फ्लोर्स तुमने कवर किए। बोलो स्टूडेंट्स कौन कौन से फोर फ्लोर, 0 से 9 तक सारे फ्लोर्स कवर कर लिए क्या, कोई फ्लोर एक बार कवर किए होंगे, कोई फ्लोर दो बार कवर किए होंगे, तो कौन कौन से फ्लोर्स कवर किए, तो 0 से 9 तक। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है,
जैसे अगर एक क्वांटिटी नेगेटिव है और दूसरी क्वांटिटी पॉजिटिव है और उस इंटरवल का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो उस इंटरवल की स्टार्टिंग तो जीरो से ही होगी और एंडिंग किस पे होगी, इन दोनों के होल स्क्वायर में जो बड़ा है उस पे एंडिंग होगी। जैसे इस माइनस टू का होल स्क्वायर क्या आता, फोर आता, और थ्री का होल स्क्वायर क्या आता, नाइन आता, तो बड़ा कौन है, नाइन, तो इसलिए यहाँ पे नाइन लिख दिया। अंडरस्टूड ये वाला एग्जांपल? यस सर। सो इफ आई से एग्जांपल इज ए इज फ्रॉम माइनस फोर से टू, तो बताओ ए स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, जीरो टू सिक्सटीन। यस, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और इन दोनों के होल स्क्वायर में 16 बड़ा होगा, तो जीरो से लेके 16 तक हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस। ओके, अब इस चीज का एप्लीकेशन कहाँ करना है वो देखो। जैसे मान लो कि हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स का रेंज फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड अ रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले तो हम लोग को ये पता है कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस वन से वन। तो साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या होगा, देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। अच्छा, इन दोनों का होल स्क्वायर क्या बनता, इसका भी होल स्क्वायर वन बनता, इसका भी होल स्क्वायर वन बनता, तो दोनों में बड़ा कोई भी नहीं है, दोनों बराबर है वन, तो यहाँ पे वन लिख लिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया रेंज, जीरो से वन। इतनी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। अच्छा, जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं देखूं, से एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसका रेंज फाइंड करना है। तो देखो हम लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स स्क्वायर का अलग से फाइंड कर लिया, फोर एक्स का अलग से फाइंड कर लिया और उसको एड सब्ट्रैक्ट कर लिया, वो रॉन्ग मेथड होगा। हम लोग को हमेशा क्या कोशिश करनी है, ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द नंबर वेयर वेरिएबल अकर्स, वेयर वेरिएबल अकर्स। जैसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कितनी जगह वेरिएबल आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है और एक बार इधर आ रहा है। तो इसको हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ने ऐसे लिख लिया x माइनस टू का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लिया, माइनस फोर प्लस थ्री, मतलब x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन। अब देखो x माइनस टू, x कहां से कहां तक आउटपुट देता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो एक्स माइनस टू कहां से कहां तक आउटपुट देता, अगेन वो सेम ही आउटपुट देता, इसमें टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। अच्छा, इसका होल स्क्वायर कहां से कहां तक आउटपुट देता, देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो जीरो से स्टार्ट होता और इन्फिनिटी पे एंड हो रहा होता, उसके बाद वन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो होल स्क्वायर माइनस वन, इसमें से भी वन सब्ट्रैक्ट हुआ और इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी बन गया, तो ये इसका रेंज आ गया। इसका मतलब कि जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये माइनस वन से इन्फिनिटी एज एन आउटपुट देगा। समझ में आई बात बच्चों? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें।
नहीं, बोथ नेगेटिव में जीरो फिक्स नहीं रहेगा एज लोअर लिमिट, बोथ नेगेटिव में दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस सिक्स से ये एफ एक्स है, देन फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। नहीं प्रथम कुछ गलत है, फिर से करो ट्राई। देखो इसका हम लोग ने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स, मतलब ये क्या बन जाता, साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस सिक्स, मतलब साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, हम लोग ने अपने एक्सप्रेशन को ऐसे रिड्यूस कर दिया। अब बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक क्या है, साइन एक्स है, तो बताओ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, माइनस वन से वन, तो साइन माइनस टू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, माइनस थ्री से माइनस वन, टू दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इस चीज का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो साइन माइनस टू का होल स्क्वायर, अब देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों के होल स्क्वायर करके पोजीशंस इंटरचेंज कर दो, तो वन से लेके नाइन तक आ गया। अब उसमें क्या करना है, टू ऐड करना है, इसमें टू ऐड किया तो थ्री बन गया और इसमें टू ऐड किया तो इलेवन बन गया, और यही क्या हो गया हमारा आंसर, आंसर विल बी थ्री से लेके इलेवन। अंडरस्टूड, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, जल्दी से कमेंट करो ये क्लियर है। यस सर। यस सर। सर दोबारा रिपीट कर दोगे आप? देखो क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, अब इसका मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे किया, साइन एक्स फोर का आधा क्या हो गया टू, तो साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस इसके होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते थे प्लस सिक्स, अब सिक्स माइनस फोर क्या हो जाता है, टू हो जाता है, तो ये फंक्शन जो है रिड्यूस होके क्या बन गया, साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू। अब देखो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, माइनस वन से वन तक, तो साइन एक्स माइनस टू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, दोनों जगह टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस थ्री से माइनस वन तक। अब इसका होल स्क्वायर करना है, देखो साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर करना है तुमको, तो क्योंकि दोनों नेगेटिव है, सिंस बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वन से लेके
9 तक, होल स्क्वायर किया और टर्म्स को रेसिप्रोकल सॉरी इंटरचेंज कर दिया। फिर आखिरी में 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड किया इसमें, इसमें 2 ऐड किया, तो 1 में 2 ऐड किया तो 3 और 9 में 2 ऐड किया तो 11। ठीक है, अभी क्लियर? ओके सर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 टेन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एफ एक्स, देन फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। चलो इसको सबको सही करना है। बताओ 10x का खुद का रेंज क्या होता है? यस, वेरी गुड, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। Yes, good for now. So what we will do, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, completing the square करेंगे। देखो completing the square करने के लिए क्या, 10x इसका आधा plus 2 का whole square, और इसी के whole square से subtract करते हैं, तो minus 4 प्लस 3, मतलब 10x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ गया हमारा एफ एक्स आ गया। चलो अब इतने इस फॉर्म में हम लोग ने रिड्यूस कर दिया, इस फॉर्म में रिड्यूस करने से फायदा क्या हुआ, बोलो इस फॉर्म में रिड्यूस करने से क्या फायदा हुआ होगा हमको? कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो केवल एक ही जगह आता है। अब देखो 10x कहां से कहां तक होता, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, उसमें अगर तुम 2 ऐड कर देते तो कहां से कहां तक होता, फिर से माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, उसका अगर होल स्क्वायर कर देते तो, अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो 0 से इनफिनिटी, और उस होल स्क्वायर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या हो जाता, माइनस 1 से इंफिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाता, माइनस 1 से इंफिनिटी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? बोलो बच्चों इतना क्लियर है? यस सर। यस,
थोड़ा प्रोएक्टिव रहोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे बोरिंग क्लास करने का तो मजा नहीं है। ओके, तो दिस वाज ए स्क्वायर टाइप। अब हम लोग फोर्थ टाइप डिस्कस करते हैं। फोर्थ टाइप पता है क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइप। ठीक है, फोर्थ टाइप इज स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइप। अब देखो, जैसे मान लो कि ए अगर से 2 से 6 है, तो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होगा? व्हाट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए? रूट 2 से रूट 6 तक, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, रूट 2 से रूट 6 तक। अच्छा ये बताओ कि ए अगर -5 से -2 है, नहीं ये सब क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, खत्म। स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए बताओ क्या होगा? ए अगर -5 से -2 है तो यस नो सॉल्यूशन। देखो स्क्वायर रूट के अंदर तो कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती, और ये पूरा के पूरा इंटरवल कैसा है? नेगेटिव है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अगर ए जो है वो -2 से 5 है, से ए जो है वो -2 से 5 एज एन आउटपुट दे सकता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है वो क्या होगा? यस गुड प्रणव। देखो स्क्वायर रूट क्या करेगा, उसको जो नेगेटिव इनपुट्स मिले हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो स्क्वायर रूट क्या करेगा कि 0 से लेके 5 तक जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और उसी के कारण वो आउटपुट देगा। सो आउटपुट विल बी 0 से √5। इतनी बात क्लियर है? सो जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो स्क्वायर रूट की स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से होगी, और एंड कहां पे होगी? जो पॉजिटिव वाला है उसके स्क्वायर रूट से एंड होगी। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो स्क्वायर रूट ऑफ ए निकालने के लिए दोनों को, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, और अगर दोनों नेगेटिव हो तो उस चीज का तो स्क्वायर रूट आ ही नहीं सकता। ये क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? यस स्टूडेंट्स। तो जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4x+3 इज इक्वल टू fx, देन फाइंड द रेंज, देन फाइंड व्हाट द रेंज।
Yes, good Sarvesh. Yes, Pranav. तो अब देखो ये अंदर जो है, ये पहले हम लोग को इस क्वाड्रेटिक के बारे में देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये कैसे टाइप की चीज होती है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन। अब देखो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जो होता है वो अभी थोड़ी देर पहले ऐसे टाइप कर देखा था कि वो क्या होता, जीरो से इंफिनिटी, होल स्क्वायर माइनस वन क्या होता, माइनस वन से इंफिनिटी। अब इसी चीज का अगर स्क्वायर रूट ले रहे होते तो नेगेटिव इन एज एन इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता, पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा होता, तो वो किसको एक्सेप्ट कर रहा होता, जीरो से इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट कर रहा होता, और आउटपुट क्या देता, जीरो से इन्फिनिटी। तो ये इसका रेंज हो गया जीरो से इन्फिनिटी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन। चलो इसका रेंज फाइंड करना है, फाइंड रेंज। ओके तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर तुमको करना है तो कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे इसका, पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख लिया, फिर
इसका आधा कर दिया, 5/2, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब इस चीज के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 25/4, और इस वन को इधर ला दो, तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके बताओ क्या बन जाएंगे, माइनस 21/4 एलसीएम लेके, ठीक है। तो देखो ये अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया है, अब मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से करना चाहिए। तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, जीरो से वन तक, फिर उसमें अगर मैं 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट 5/2, इसमें 5/2 सब्ट्रैक्ट किया तो -5/2, और इसमें 5/2 सब्ट्रैक्ट किया तो -3/2। अब इस चीज का होल स्क्वायर करना है, तो देखो दोनों नेगेटिव है, तो स्क्वायरिंग होगी। अब देखो और इंटरचेंज हो जाएंगे, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, तो ब्रैकेट्स की भी पोजीशन इंटरचेंज होगी, जैसे यहाँ पे 9/4 हो जाएगा और यहाँ पे 25/4, और ये वाला ब्रैकेट, यहाँ वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला ब्रैकेट इधर आ गया। फिर अब -21/4 करना है, तो इसी होल स्क्वायर में 21/4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो इसमें 21/4 सब्ट्रैक्ट होता तो -12/4 आता, और इसमें 21/4 सब्ट्रैक्ट होता तो 4/4 आता, मतलब आंसर क्या आ जाता, -3/1, ये हमारा आंसर आ जाता। समझ में आया ये सर? तो हाँ, हम लोग ने स्क्वायर की हम लोग को रूट लेना था ना। अच्छा ओके ठीक है, अभी रूट लेना बाकी है। देखो स्क्वायर तो इसलिए किया ना बेटा, स्क्वायर तो इस कारण किया है स्क्वायर, अभी तो मैं इसी इस अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर रहा था, अब इसका रूट लेना है भाई, तो ठीक है ये जो भी है, अब इसका रूट जब लेना होगा हम लोग को, तो नेगेटिव वाला क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा और वन का स्क्वायर रूट क्या होता है, वन ही होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 0 से 1। ठीक है, इतना क्लियर? बोलो बच्चों, सुमित तुमको समझ में आया? यस सर। यस सर। आदित्य, आदित्य कहर बेटा, यस सर समझा। तो ये हमारा कौन सा टाइप था, स्क्वायर रूट ऑफ ए वाला टाइप था। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप, ये शायद 4 टाइप कंप्लीट हो गए हमारे। अब नाउ वी विल डू 5th टाइप। तो देखो हम लोग जो भी टाइप कर रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ पुराने टाइप का एप्लीकेशन आता जा रहा है, तो टाइप 5 जो है दैट इज 1/8 टाइप, ठीक है। तो देखो इसको अच्छे से समझेंगे, थोड़ा ध्यान लगा के, जैसे मान लो कि ए अगर 2 से लेके 4 तक है, तो 1/8 कहां से कहां तक होगा, 1/8 कहां से कहां तक होगा, यस दोनों का रेसिप्रोकल करना है, तो जैसे इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/4, और छोटा कौन सा है, 1/4 छोटा है,
तो 1/4 से 1/2, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या समझा कि अगर a अल्फा से बीटा के बीच में है और दोनों पॉजिटिव है, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो 1/a कहां से कहां तक होगा? 1/बीटा से 1/अल्फा तक। एग्री करोगे? अच्छा, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे मान लो मैं दोनों को नेगेटिव ले लूं, दोनों को क्या ले लूं? नेगेटिव, -4 से -2। अब इसमें 1/a कहां से कहां तक होगा? इसमें 1/a कहां से कहां तक होगा? -1/2 to -1/4। यस, देखो इसका रेसिप्रोकल -1/4 है, इसका रेसिप्रोकल -1/2 है, तो ज्यादा नेगेटिव कौन है? माइनस हाफ है, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। मतलब यहां पे भी वही हुआ कि रेसिप्रोकल हुआ और पोजीशंस इंटरचेंज हो गए, रेसिप्रोकल हुआ और पोजीशंस इंटरचेंज हो गए। मतलब ये वाली चीज, अल्फा और बीटा अगर दोनों नेगेटिव है तब भी ट्रू होगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड, अगर ए, जैसे ये बताओ मेरे को, ए अगर 0 से 4 है, ए अगर 0 से 4 है और 0 पे ओपन ब्रैकेट है, 0 पे ओपन ब्रैकेट है मतलब ए की वैल्यू 0 से थोड़े से बड़े से स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे 1/a क्या होगा? वन बाय फोर से नॉट डिफाइंड तो लिखना सही नहीं है। तुम ऐसे सोचो, ये जो जीरो है वो जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 0+ से 4 तक। अब दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या आता है? रेसिप्रोकल हो जाना और पोजीशन इंटरचेंज कर देना। और 1/0+ क्या होता है बताओ बच्चों? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1/a क्या हो गया? 1/4 से इन्फिनिटी तक। फाइन, ये चीज समझ में आई? यस, ये चीज क्लियर है? बोलो। Yes, sir. 1/0+ के बाद में आपने क्या किया है? 1/0+ मतलब इन्फिनिटी होता है ना, 0+ का क्या मतलब है? 0.0000 ऐसे टाइप की चीज, तो ये किधर जा रही होगी? इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी। ओके सर। अच्छा, जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा है, ए अगर -2 से 0 ओपन है, तो यहाँ पे 1/a कहाँ से कहाँ तक होगा? नहीं,
अच्छा यहाँ पे जो है एक मिनट, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे जो है जैसे ये जो जीरो है वो जीरो से थोड़ा सा छोटा है, इसको हम लोग जीरो माइनस टाइप की चीज लिख सकते हैं, जीरो माइनस जीरो से थोड़ा सा छोटा। अब देखो दोनों क्वांटिटी कैसी हो गई, दोनों क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। दोनों क्वांटिटी अगर नेगेटिव होती है तब वन बाय ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वही रेसिप्रोकल और इंटरचेंज। अब वन बाय जीरो माइनस मतलब क्या होता है, वन बाय माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, मतलब ये क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है सर, ये जीरो माइनस और जीरो प्लस नहीं समझा। जीरो माइनस का क्या मतलब है, जीरो से थोड़ा सा छोटा, जैसे मैंने ए लिखा माइनस टू से जीरो, इसका क्या मतलब है कि ए जो है माइनस टू से जीरो ऐसा है, मतलब ए की वैल्यू क्या एग्जैक्ट जीरो हो सकती है क्या, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा नहीं। तो ए की जो पहली वैल्यू होती वो क्या होती, एक नेगेटिव वैल्यू होती ना, जीरो से थोड़ी सी छोटी वाली, तो इसलिए उसको जीरो माइनस लिख दिया। जीरो माइनस का क्या मतलब है, माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, इसका ये मतलब है, मतलब एक जीरो के बहुत नियरेस्ट वैल्यू जो नेगेटिव है। सिमिलरली जीरो प्लस का क्या मतलब है, जीरो के बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू जो कि पॉजिटिव है, मतलब जैसे मान लो ये जीरो है, इस वैल्यू को मैं क्या कहूंगा जीरो माइनस, और इस वाली वैल्यू को मैं क्या कहूंगा जीरो प्लस। ओके सर, हाँ ओके। अब देखो जरा, जैसे अगर हमारा ए माइनस टू से थ्री तक बिलोंग करता, क्या करता माइनस टू से थ्री तक बिलोंग करता, तो वन बाय ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता से ये पूछा गया। तो देखो तो देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव क्वांटिटी है और एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते, सबसे पहले एक को ना ब्रेक कर देते, जैसे एक को मैं ऐसे लिखता एक बार माइनस टू से
जीरो माइनस यूनियन जीरो प्लस से थ्री, ठीक है, मतलब मैं ए को जीरो पे ब्रेक कर देता, इससे क्या हो गया, इससे ये वाला जो इंटरवल हो गया वो एंटायरली नेगेटिव इंटरवल हो गया, और ये वाला जो इंटरवल हो गया वो कैसा हो गया, एंटायरली पॉजिटिव इंटरवल हो गया। तो देखो एंटायरली नेगेटिव और एंटायरली पॉजिटिव में मैंने क्या सिखाया, जैसे जीरो माइनस का माइनस इंफिनिटी होता और ये माइनस हाफ होता, इसका वन बाय थ्री होता और इसका इन्फिनिटी होता, आ रहा समझ में? तो हम लोग यहां से यहां पे कैसे आए वो डायरेक्ट रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखने कैसे लिखना है, जैसे माइनस टू से थ्री है ना, तो दोनों का रेसिप्रोकल करो, एक का रेसिप्रोकल माइनस हाफ आया, एक का रेसिप्रोकल वन बाय थ्री आया, अब दोनों का अवे चले जाओ तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन वन बाय थ्री से इंफिनिटी। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल होता कि ए जो है वो माइनस वन से थ्री है, तो बताओ वन बाय ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता, तुरंत बताओ, ए अगर माइनस वन से थ्री है तो वन बाय ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ओके सो अब देखो इसका रेसिप्रोकल करो, तो माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन आएगा, थ्री का रेसिप्रोकल वन बाय थ्री आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन बाय थ्री से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं वो देखो, इस कॉन्सेप्ट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम लोग को इसका रेंज फाइंड करना है, वन होल अपॉन थ्री साइन एक्स प्लस फाइव, ये एफ एक्स है, देन फाइंड रेंज। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो
हम लोग ने पहले नीचे वाला जो है जैसे 3 sin x + 5 इसके बारे में सोचा, तो 3 sin x कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता, -3 से 3, उसमें जब मैं 5 ऐड करता तो कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता, दोनों में 5 ऐड करो 2 से लेके 8 तक। फिर इसका जब मैं रेसिप्रोकल करता, अब क्योंकि देखो दोनों पॉजिटिव है, बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, तो इनके रेसिप्रोकल्स, इनका रेसिप्रोकल कैसे होगा, बस रेसिप्रोकल करना और पोजीशंस को इंटरचेंज करना है 1/8 से 1/2, ये हमारा आंसर होगा 1/3 sin x + 5 करेंगे। ओके जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल है 1/x^4 + 2x² + 4, ठीक है, ये एफ एक्स है, देन फाइंड रेंज। रेसिप्रोकल का निकालना है ना, रेसिप्रोकल का चलो नीचे वाले को देखते हैं। तो जैसे इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर मैं करूं,
ठीक है, ये बन गया। अब इसके बारे में सोचना है। देखो पहले, सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे, एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता है? जीरो से इन्फिनिटी तक। उसमें वन ऐड करोगे तो कहां से कहां तक होगा? वन से इन्फिनिटी तक। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो कहां से कहां तक होगा? इसका होल स्क्वायर वन और इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इन्फिनिटी। फिर इसमें थ्री ऐड करोगे तो कहां से कहां तक होगा? फोर से लेके इन्फिनिटी। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तुमको, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल करने के लिए बस अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करेंगे। तो 1 बाय इन्फिनिटी से 1 बाय 4, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या था? 0, 1 बाय 4, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर? अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे एक पॉइंट टू रिमेम्बर, जैसे कभी डिनोमिनेटर में जीरो से इंफिनिटी हो तो वो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है ना वो खुद जीरो से इंफिनिटी जाता है। अगर डिनोमिनेटर में माइनस इन्फिनिटी से जीरो हो तो वो जो फ्रैक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो तो वो जो फ्रैक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो, ये आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है। तो जैसा अगर जैसे मान लो मेरे से कोई पूछे एग्जांपल में कि फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x³+2x²+7x-5)। ठीक है, तो जो हमारे ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं ना, जो भी हमारे ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं वो कैसा आउटपुट देते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आउटपुट देते हैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल गिव्स आउटपुट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 1/0 डिग्री है, तो इसका जो एफ एक्स का रेंज आएगा वो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो। अंडरस्टूड? सर हाँ सर, अगर इसमें जीरो डालेंगे भी तो माइनस फाइव आएगा ना, तो जीरो इंक्लूड कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, हम लोग आउटपुट की बात कर रहे हैं, हम लोग इनपुट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकता हूँ ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देगा।
इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके तो एक क्वेश्चन करो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन, चलो इसका रेंज फाइंड करो। ओके कुछ लोगों का आंसर आया, सही भी लग रहा है। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस वन से वन। तो बताओ साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक होता? जीरो से वन। जीरो से वन, उसमें अगर आप टू मल्टीप्लाई कर देते तो कहाँ से कहाँ तक होता? जीरो से टू। फिर उसमें मैं अगर वन सब्ट्रैक्ट कर देता तो वो कहाँ से कहाँ तक होता? माइनस वन से वन। तो देखो इसी का हम लोग को रेसिप्रोकल लेना है, इसी का हम लोग को रेसिप्रोकल लेना है। देखो इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल जब मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता तो माइनस वन और वन हो जाता और ऐसे चले गए होते हम लोग।
तो हमारा जो आंसर होता कि 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका आउटपुट जो है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ रहा होता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों? एवरीवन इज दिस पॉइंट क्लियर? जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos square x minus 4 cos x plus 2, ये हमारा fx है। ये क्या है अपना fx? Then find range। Then find range। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें। डन सर। Once infinity.
ओके सो लेट्स डू वन थिंग, जैसे इसका जो है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर कॉस एक्स प्लस टू, पहले इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होगा, कॉस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू, मतलब कॉस माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता, माइनस वन से वन। तो कॉस माइनस टू कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता, माइनस थ्री से माइनस वन। फिर उसका होल स्क्वायर, देखो दोनों नेगेटिव है, उनका होल स्क्वायर वन से नाइन तक आउटपुट देता। फिर उसमें से मैं क्या कर रहा होता, वन सब टू सब्ट्रैक्ट कर रहा होता। तो होल स्क्वायर माइनस टू कहां से कहां तक आउटपुट देता, माइनस वन से सेवन तक आउटपुट देता। अच्छा, इसी चीज का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट बताओ कहां से कहां तक आता, जीरो से लेके रूट सेवन, जीरो से लेके रूट सेवन। अब इसी का हम लोग को रेसिप्रोकल लेना है। तो देखो दोनों पॉजिटिव है एक तरीके से, तो रूट सेवन का क्या हो जाएगा, वन बाय रूट सेवन एंड वन बाय जीरो प्लस का इन्फिनिटी। समझ में आया? बोलो। दिग्विजय क्लियर है? प्रथम, मिताली, प्राची, सर्वेश? यस यस सर। यस सर। ओके तो अब देखो, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, उसको तुमको आज रात तक मेरे को भेजना है करके, तो होमवर्क क्वेश्चन। तो क्या क्या है, मतलब वही फाइंड रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ पहला है टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स माइनस फाइव। दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ फोर रेस टू एक्स माइनस फोर टाइम्स टू रेस टू एक्स प्लस सेवन। ठीक है, थर्ड है वन बाय थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स माइनस सेवन। फोर्थ है वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। फिफ्थ है वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस थ्री। सिक्स्थ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री।
सातवां है, ln x square plus 2x plus 2, आठवां है tan inverse tan inverse sin x, ठीक है। नाइन्थ वन इज साइन ऑफ कॉस एक्स, एंड टेंथ वन इज टेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। टेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सेकेंड क्वेश्चन ये है, फोर रेस टू एक्स माइनस फोर इंटू टू रेस टू एक्स प्लस सेवन, ठीक है। तो ये जो है ये किस बेसिस पे है, जो आज का क्लास है, लास्ट क्लास में जो एक्सप्लेन किया था, प्लस टुडेज क्लास उसमें जो एक्सप्लेन किया था, उस बेसिस पे है। मुझे आज रात तक चाहिए, आज रात तक तुमको कंप्लीट करना है ये 10 क्वेश्चन, इन सबका रेंज फाइंड करना है तुमको, एंड ईच वन ऑफ यू विल सेंड मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। जो क्वेश्चन ना आए कोई बात नहीं, उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करके छोड़ना है, लेकिन करना, ट्राई सब करना है। ओके, सो लास्ट क्लास का नोट्स रिवाइज करना और आज के क्लास का नोट्स रिवाइज करना, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट करोगे। अंडरस्टूड? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू। सर आप स्लाइड शेयर कर दें। हाँ, मैं अभी शेयर कर देता हूँ।